अपने देख रहा छी टीवी टुडे टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करी सोम दिन थप 2918 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल संबंधी समाचार से। नेपाल में सोम दिन थप 2918 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल। देश भर कैल गेल 9438 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 2049 गोटे आ 5381 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 869 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 6,31,860 पहुंचल। तहिना कोरोना के कारण थप 53 गोटे के मृत्यु भेल। हाल धरि नेपाल में कोरोना के कारण 8,465 गोटे जान गुमौनी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार थप 5,147 गोटे कोरोना मुक्त भेला से हाल धरि नेपाल में 5,36,252 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। हाल नेपाल में 65,804 गोटे संक्रमित आइसोलेशन में आ 531 गोटे क्वारंटाइन में। हाल धरि नेपाल में 32,24,163 पीसीआर आ 1,13,210 एंटीजन परीक्षण भेल। मंत्रालय जनौने अछि कोरोना संक्रमण के अवस्था के दृष्टिगत करैत स्थानीय प्रशासन किछ क्षेत्र सहज करैत धनुषा में 6 बेर निषेधाज्ञा के समय अवधि पुनः एक हफ्ताक लेल बढ़ौने अछि। जिला संकट व्यवस्थापन समितिक सोम दिन बैसल बैसार से आगामी अखाड़ 7 गते रात 12 बजे धरि के लेल निषेधाज्ञा के जारी राखल जेबाक निर्णय कयल गेल अछि। कोरोना संक्रमण के फैलावट रोक निषेधाज्ञा के निरंतरता देल जेबाक निर्णय भेल। प्रमुख जिलाधिकारी बंधु प्रसाद बास्तोला जानकारी देलनि। प्रजीय बास्तोला निर्माण सामग्री लगातक आवश्यक व्यवसायी सब भिनसर 5 बजे से भिनसर 11 बजे धरि आ दवाई तथा स्वास्थ्य सेवा संग संबंधित दुकान सब 24 घंटा स्वास्थ्य सुरक्षाक मापदंड के पालना क खोल पेबाक बतौने छैक। तहिना होटल रेस्टोरेंट सब ऑनलाइन ऑर्डर तथा होम डिलीवरी आ टेक अवे विधि से मात्र सेवा संचालन कर सकबाक, मुदा रात्रिकालीन व्यवसाय संचालन में रोक लगाओल गेल अछि। प्रजीय वास्तोला कोरोना संक्रमण के प्रभावकारी रोकथाम तथा नियंत्रण आ आई के संक्रमण फैल नहीं देवाक लेल जिला भर प्रतिकूल प्रभाव पर सकबाक, कोनो किसिम के गतिविधि होव आ कर नहीं देव, नेपाल राजपथ में तोकल गेल अत्यावश्यक सेवा सब बाहे के अन्य सब सेवा आ स्थल सब पुनः 7 दिन धरि के लेल संक्रमक रोग N-2020 के दफा 2 आ स्थानीय प्रशासन N-2028 के दफा 6 के उपदफा 3 बमोजिम जिला कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र के निर्णय अनुसार धनुषा जिला भर निषेधाज्ञा समय अवधि थपल गेल जानकारी देलनि। प्रशासन दवाई इलाज एवं आदेश में उल्लेख भेल बमोजिम के अत्यावश्यक काजक बाहेक सर्वसाधारण के घर से बाहर नहीं निकल आग्रह केने छैक। निषेधाज्ञा में सब प्रकारक सभा सम्मेलन गोष्ठी तालीम सेमिनार सिनेमा हॉल पार्टी पैलेस स्विमिंग पूल शॉपिंग मॉल हाट बाजार मनोरंजन स्थल सैलून ब्यूटी पार्लर जिम खाना समूह में खेल जाय वाला खेलकूद पुस्तकालय संग्रहालय लगातक सब संचालन कर समेत रोक लगौने अछि। तहिना प्रदेश 2 के 3 जिला में 1 हफ्ताक लेल आ 1 जिला में 2 हफ्ताक लेल निषेधाज्ञा थप कयल गेल अछि। महोत्तरी असरलाही में सेहो 1 हफ्ताक लेल निषेधाज्ञा थप कयल गेल अछि। ई दुनू जिला में सेहो अखाड़ 7 गते राति 12 बजे धरि के लेल निषेधाज्ञा जारी रहत संबंधित जिला प्रशासन कार्यालय जनौने अछि। तहिना सिरहा में अखाड़ 15 गते धरि के लेल निषेधाज्ञा कायम कयल गेल। प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कनेल जानकारी देलनि। जिला विपद व्यवस्थापन समिति जनकपुर धाम में संयुक्त जल प्रकोप उद्धार प्रदर्शनी कार्यक्रम कलक। मौसम परिवर्तन भेल संगे देश भर भारी वर्षा हेबाक आ ऐसे बाढ़ भूस्खलन से होब सकबाक मौसम विभाग चेतावनी दिलाक बाद ओसे होब वाला क्षति न्यूनीकरण करबाक लेल सोम दिन उद्धार करबाक तरीका बारे में प्रदर्शनी कयल गेल। श्रीनाथ गन धनुषा सशस्त्र प्रहरी बल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा गन हेड क्वार्टर धनुषा के संयुक्त आयोजना में जनकपुर धामक गंगा सागर में जल प्रकोप भेला से उद्धार करबाक तरीका बारे में डेमो देखाल गेल छल। बाढ़ भूस्खलन में फसल व्यक्ति सबके कोना क बचाओल जाय ओहि संबंधी व्यापक तरीका क व्यापक तैयारी क बाढ़ भूस्खलन में होब सकबाक क्षति न्यूनीकरण के लेल तैयारी संबंधी डेमो देखाओल गेल। ओ कार्यक्रम में प्रमुख जिलाधिकारी बंधु प्रसाद वास्तोला प्रहरी आ सेना के प्रशंसा सेहो केने छलथि। देश आ समाजक लेल प्रहरी करी त्याल कार्य आ क्षति न्यूनीकरण के लेल केने तैयारी संबंधी प्रशंसा करे धन्यवाद सेहो देने छलाइन। धनुषा लगायतका तराईका जिल्लाहरू जुन बर्खा याममा बाढी र जोखिमको उच्च जोखिमको अवस्थामा रहेका छन् त्यहाँका नागरिकहरूलाई हामीलाई अप्ठ्यारो परेको परिस्थितिमा नेपाल सरकार र सुरक्षा निकाय खास गरी जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र सुरक्षा निकाय हाम्रो रक्षार्थ खटिएको छ र हामी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि उद्धार हुन्छ भन्ने खालको एउटा मनोबल बढाउन र नागरिकहरूलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन यस्तो कार्यक्रम
पक्कै पनि अर्थपूर्ण हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ रहेको छ। यति मात्र होइन, हामीले यो खास गरी बर्खायामको सिजनमा हुन सक्ने विपदको अवस्थामा धनजनको सुरक्षाको लागि यो सिमुलेसन अभ्यास चाहिँ हामी सबैको लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। खास गरी यो कार्यक्रम आयोजना गर्न सहयोग गर्ने नेपाल एउटा सोसाइटी लगायत स्थानीय तहहरू सबैलाई पनि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्रोत साधनको न्यूनताका बावजुद पनि हाम्रा सुरक्षा निकायहरू अत्यन्त चुनौतीपूर्ण कामको लागि हरदम तयार छन् भन्ने सन्देश पनि यो कार्यक्रमले दिएको छ र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण कार्यक्रममा बाइट भूस्खलनमै सुरक्षाक लेल प्रयोग कयल जायवाला सरसमानके प्रमुख जिल्लाधिकारी वास्तोला अवलोकन समेत के सायद कार्यक्रममा विभिन्न संघ संस्थाक प्रतिनिधि सबके उपस्थिति रहल छलाइन। प्रदेश नम्बर दो के प्रदेश प्रमुख डाक्टर राजेश साहिराज मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के मंत्री परिषद समावेशी बनाव सुझाव देने किछ घंटा ने बीतल ताबमे सरकारक एक मंत्री हुनकर ई सुझाव के खंडन केलथि। सरकारक प्रवक्ता समेत रहल आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव प्रदेश प्रमुख अहिराज के तत्काल राजीनामा द कऽ दलित समुदायक व्यक्ति के प्रदेश प्रमुख बनाव चुनौती दिलाइन। मंत्री यादव प्रदेश प्रमुख के कदम सकारात्मक रहलाक बादो ओ समावेशी कार्ड के प्रयोग कर चाहने आरोप लगौलाइन। प्रदेश प्रमुख के हैसियत में राजनीति करब अधिकार नहीं रहल कहे तो ओ कानून बमोजिम के अधिकार मात्रे प्रयोग कर सुझाव देने छन। मंत्री यादव विगत में प्रदेश प्रमुख झा संहिता विरोधी के रूप में अभियानी रहल याद रहे कई चेतावनी दिलाइन। ओ प्रदेश सरकार समावेशी समानुपाती के ख्याल करित हरेक वर्ग क्षेत्र समुदाय आ सीमांकृत समेत के राज्यक हरेक निकाय में पहुंच के लेल विभिन्न एन समेत आनल गेल बतौलन। ओ कहलन दलित सशक्तिकरण एन महिला सशक्तिकरण एन महिला सब के शिक्षा में पहुंच के लेल लोक सेवा आयोग के तैयारी कक्षा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान दलित के पहुंच अधिकार आ सब क्षेत्र में समावेशी समानुपाती कार्यान्वयन के लेल हम सब लागल छी। जाधर हम सब एजुकेटिव राइट के लेल काज नहीं करब ओ कहलन एजुकेटिव राइट के मंत्री परिषद के विभिन्न बात सब रहित अछि। पार्टी भीतर के लगानी संबंधित विषय में विज्ञता क्रियाशीलता कार्य दक्षता समेत के ख्याल कयल जायत अछि। हम सब अखन लर्निंग बाय डूइंग के आधार में कार्यान्वयन कर रहल छी। काल के दिन में हम सब व्यवहारिक रूप में कार्यान्वयन करैत जायब। प्रदेश प्रमुख अहिराज रवि दिन मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के चार पृष्ठ के स्मरण पत्र लिखित गैर मधेशी आ महिला के सरकार में सहभागी कराब कहित स्मरण करौने छल। प्रदेश दू लोकतांत्रिक आ गणतांत्रिक आंदोलन में नेतृत्वदायी भूमिका खेलने स्मरण करबैत ओ प्रदेश दू में मधेशी आदिवासी गैर मधेशी लगातक पक्ष के सरकार में समेट सुझाव देने छलनि। प्रदेश दू सरकार मंगल दिन आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजट आना लागल अछि। ओहि अनुसार बजट के तैयारी भ रहल अछि। प्रदेश सरकार अखाड़ एक गते भीतर प्रदेश सभा में बजट पेश कर पड़बाक कानूनी व्यवस्था रहल अछि। आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव चालू वर्षक हाराहारी के आकार में बजट आवश्यक बात बतौलनि। मंत्री यादव कोरोना महामारी नियंत्रण आ व्यवस्थापन में केन्द्रित बजट पेश करबाक तैयारी भ रहल बतौलनि। विकास निर्माण के बजट चालू आर्थिक वर्ष किछ कम हो सकबाक तथा स्वास्थ्य शिक्षा कृषि आ रोजगारी के प्राथमिकता में राखल जेबाक हुनक कहब छनि। आगामी आर्थिक वर्ष के बजट स्वास्थ्य उद्योग आ कृषि क्षेत्र में बेसी केन्द्रित होयत बतौलनि। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना महामारी के दोसर लहर से पड़ल प्रभाव के नियंत्रण करैत प्रदेशक आर्थिक गतिविधि के चलायमान बनाब आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजट आन लागल ओ जानकारी दिलनि। कोरोना महामारी नियंत्रण के लेल कयल गेल लॉकडाउन आ निषेधाज्ञा के कारण देश के समग्र अर्थव्यवस्था में गंभीर असर पड़ल आ प्रदेश सरकार के राजस्व संकलन में समेत संकुचन आयल। अ विषम परिस्थिति से अर्थतंत्र में पड़ल प्रभाव के न्यूनीकरण करैत आर्थिक गतिविधि गतिशील बनाव पड़बाक मंत्री यादव बतौलन। देशक 15 आवधिक योजना प्रदेश के पहिल आवधिक योजना दिगो विकासक लक्ष्य राज्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर में केने प्रतिबद्धता आ अठोट तथा प्रदेश सरकारक विगत के नीति तथा कार्यक्रम जनता समक्ष कयल गेल प्रतिबद्धता के पूरा करबाक दिस आगामी आर्थिक वर्षक बजट लक्षित हेबाक ओ स्पष्ट केलनि। प्रदेश सरकार से विगत के वर्षक महत्वाकांक्षी प्रादेशिक योजना तथा कार्यक्रम के प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन में लजेबाक जिका बजट केन्द्रित रहत बताओल गेल अछि। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री बसंत कुमार नेम्बांग जनकपुर जयनगर रेल संचालन के तैयारी कर रेल विभाग के निर्देशन देने छक। मंत्री नेम्बांग पानी जहाज कार्यालय मेट्रो रेल विभाग आ यातायात व्यवस्था विभागक प्रमुख सब संग विमर्श करबाक क्रम में रेल विभाग के लॉकडाउन खुलते रेल संचालन कर जका संपूर्ण तैयारी पूरा कर निर्देशन देने छक।
नीतिगत व्यवहारिक आ प्राविधिक सम्पूर्ण बात सबके व्यवस्थापन भ चुकलाक बादो रेल संचालन में अबेर भेला से जल से जल संचालन में आब पड़बाक बतौलन। रेल संचालन के लिए अध्यादेश जारी क चुकल छी, एतेक भेलाक बादो हम सब रेल के समय में संचालन कर नहीं सकल छी। ओ कहलनि कोविड महामारी सब बाधा पहुँचौनी अछि। अध्यादेश अनबाक जीएम नियुक्ति करबाक लगायत कानूनी व्यवस्थित क चुकल हुनक कहब छनि। मंत्री निम्बांग पानी जहाज संचालन के लिए तैयारी कर तथा नदी नाला सब में संभाव्यता अध्ययन के काज आगू बढ़ाव पानी जहाज कार्यालय के सेहो निर्देशन देनी अछि। सिरहा में अपने भाई ऊपर गोली प्रहार कर वाला भैया सहित तीन गोटे पकड़ायल अछि। पकड़ायल पड़ल में जिला गोलबाजार नगर पालिका वार्ड नंबर 11 के 45 वर्षक मोहम्मद हाकिम फकीर, मिर्चिया नगर पालिका वार्ड नंबर 6 के 42 वर्षक सूर्यदेव साफी आ 23 वर्षक रोहित साफी रहल। जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा के प्रवक्ता प्रहरी नाब उपरीक्षक शालिग्राम शर्मा जानकारी दिलान। जेठ 22 गते रात करीब पौने 8 बजे के समय में मिर्चिया नगर पालिका वार्ड नंबर 6 स्थित सिद्धि मेडि के दवाई दुकानक संचालक 40 वर्षक राम सागर साफी ऊपर गोली प्रहार भेल छल। अनुसंधान करित गेला पर राम सागर के सहोदर भाय सूर्यदेव साफी पारिवारिक ऋषिवी आ संपत्ति के कारण पैसा तीर के गोली प्रहार कर लगौने प्रवक्ता शर्मा बतौलन। पकड़ायल पड़ल तीनू गोटे के थप अनुसंधान के लिए थुना में राखल गेल आ फरार अन्य व्यक्ति सबके इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चिया से खोज तलाश भ रहल, प्रवक्ता शर्मा बतौलन। कोरोना संक्रमण बाद नीक भेल नेकपा एमालेक वरिष्ठ नेता जननाथ खनाल सोमदिन पुनः अस्पताल भर्ना भेल छैक। श्वास प्रश्वास में समस्या देखल गेलाक बाद खनाल सोमदिन भिनसर थापाथली स्थित नरविक अस्पताल में भर्ना भेलैथ। सोमदिन भिनसर आईसीयू में भर्ना भेल खनाल के बेरिया सामान्य वार्ड में सारल गेल। नरविक अस्पतालक प्रवक्ता सोमनाथ बास्तोला जानकारी दिलान। वार्ड में राखल गेलाक बादो खनाल ऑक्सीजन के सहायता में रहल बास्तोला के कहब छन ओ घरे से ऑक्सीजन सहित आयल छलैथ। ऑक्सीजन में छथि मुदा स्वास्थ्य अवस्था कहल जाय तो सामान्य अछि, प्रवक्ता वास्तोला कहलनि। कोरोना संक्रमण भ मुक्त भेल खनाल के लक्षण देखला पर पोस्ट कोविड के समस्या देखल गेल, वास्तोला बतौलनि। कोरोना संक्रमण के असर के कारण नेता खनाल बीमार पड़ल आंकलन कयल गेल अछि। परीक्षण भ रहला से सब रिपोर्ट अयलाक बाद खास समस्या पता लागत, वास्तोला बतौलनि। खनाल के बीतल बैसाख 18 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छल। शुरू में मनमोहन मेमोरियल अस्पताल में भर्ना भेल खनाल, बाद में नरविक अस्पताल में गेल छलथि। कोरोना मुक्त भ बैसाख 28 गते खनाल नरविक अस्पताल से डिस्चार्ज भेल छलथि। बेस तो टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति कदिया जेबाक आज्ञा, देखत रही टीवी टुडे। नमस्कार।